सर ओके सर, सेकंड यस सर, चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यस सर। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाने जरूरी है। सिद्धांत बनाने, स्पीकर बंद करो, ऑफ करो स्पीकर अपना, किसने स्पीकर ऑन कर रखा है? बंद कर लो। आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रिंसिपल्स बनाना बहुत जरूरी है, सिद्धांत बनाना बहुत जरूरी है, नियम बनाना बहुत जरूरी है। तो तुम भी लोग जो है 6 बज के का मतलब, 6 बजे का मतलब है 6:10 तक आ जाओ। आज मेरा थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम हो गया था, तो उस वजह से मैं अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया था, ठीक है? पर 6:10 तक तुम आ जाया करो अपने आप ही, बार बार तुम्हें कहना पड़ता है। और अभी भी जो है ज्यादा कोई बच्चे नहीं है, पूरा ही पार्टिसिपेंट है, ठीक है? तो नियम बनाना पड़ेगा, तो नियम को फॉलो भी करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स का मतलब वही होता है, सिद्धांत। तो मैनेजमेंट पूरी कंपनी को चला रही है, तो वहां पर नियम बनाना बहुत जरूरी है, सिद्धांत बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? कि कैसे किसी भी काम को हम पूरा करवाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो जब कभी मैनेजमेंट की स्टडी की गई डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा, तो उन्होंने जो भी अपने एक्सपीरियंस लिए, प्रैक्टिसेस की, रिजल्ट ऑब्जर्वेशन की, तो उसके बेस पर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। तो दो लोगों के प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए मैनेजमेंट के अंदर, जिनको हम आज के समय में पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, वो ही जब भी कहीं शुरुआत होती है तो उन्हीं से होती है। पहले थे हेनरी फ्योल, जिनको हम फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री थी उनके पास, और उन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया था 1860 में एज एन इंजीनियर। उसके बाद वो जब काम करते रहे, तो धीरे धीरे वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचे 1988 में। तो जब व्हेन द कंपनी वाज ऑन वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, मतलब कि उसका दिवालिया निकलने वाला था कंपनी का, तो उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और फिर अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हुए और उसके बेस पर उसने उस कंपनी का फॉर्च्यून चेंज कर दिया, उस कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। तो उसी लिए उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल हैं टोटल, और जिनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट का है कहते हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अब थे तो ये कहीं और के, शायद जर्मनी के, फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे, बट इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड एप्लीकेबल हो जाते हैं, सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो पढ़ेंगे बाद में वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो हेनरी फ्योल ने दिए थे। इनके अलावा जो दूसरे जिनको मोस्टली हम जानते हैं और हम पढ़ेंगे भी इस बार, वो है टेलर। टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल थे, इनका पूरा नाम था F.W. टेलर, फ्रीडरिक विंस्लो टेलर। 1856 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1915 तक ये जीवित रहे। इन्होंने बहुत छोटे ड्यूरेशन के अंदर 1878 से 1884 तक ये अपनी एक ऑर्डिनरी अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब होता है जो ट्रेनिंग लेता है, तो उस ट्रेनिंग, ट्रेनी के माध्यम से अपनी जॉब को शुरू करते हुए चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंच गए थे। एक कंपनी थी मिडावले स्टील कंपनी यूएसए की। तो टेलर ने फिर वहां पर कुछ साइंटिफिक स्टडी की, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन तक वो पहुंचे। और क्योंकि साइंस से बिलोंग करते थे, तो इनके सारे प्रिंसिपल भी साइंटिफिक बेस हुए। इन्होंने कहा जैसे साइंस में काम होता है उसी तरीके से हम मैनेजमेंट में भी काम करेंगे।
तो इन्होंने भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स बताए थे, तो इनके प्रिंसिपल भी हम बाद में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनको इन्होंने दुनिया को दिया, जो आज के समय में भी फॉलो होते हैं। अब हम आते हैं दोबारा प्रिंसिपल्स पे कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, क्या मीनिंग है, क्या फीचर्स हैं। प्रिंसिपल का बेसिकली हिंदी अनुवाद है सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत का मतलब हमें कैसे किसी भी काम को करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग। तो एक तरीके से गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश होते हैं प्रिंसिपल्स के, आप कैसे डिसीजन लोगे, कैसे काम करोगे अंडर डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। आ रही है ना आवाज और दिख रही है ना स्क्रीन? यस सर। दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एज दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर। ये आवाज बंद करो, किसके घर से आ रही है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो साइंस के प्रिंसिपल से थोड़े अलग होते हैं। हमने जब कल फर्स्ट चैप्टर किया था तो हमने पढ़ा था क्या मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस है, तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि नहीं, पूरी तरह से साइंस नहीं है। तो इसीलिए इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो साइंस से थोड़ा अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल बनते हैं वो किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर बनते हैं। सब्सटेंस का मतलब कोई भी एक पदार्थ। तो पदार्थ निर्जीव होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो बनते हैं वो एक जैसा रिएक्शन हर जगह रहता है। पदार्थ अपना जो फीचर्स हैं किसी भी पदार्थ के वो चेंज नहीं होते, पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बनते हैं, इंसानों के बर्ताव के ऊपर। तो इंसानों का बर्ताव तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कंट्री टू कंट्री तो बहुत बड़ी बात है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते जाते तो वो पता नहीं कितने लेवल पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ भी जितने बच्चे हैं इस समय सबका बिहेवियर अलग अलग है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं। तो प्रिंसिपल बनाने हैं जो तुम सब लोगों पर काम करें। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते जितने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। दे आर डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक का मतलब होता है वो टेक्निक जिसको हम मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं। एज टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट आर द मेथड वेयर प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस। टेक्निक का मतलब होता है कि भाई किसी भी, अब देखो पढ़ाने की अलग अलग टेक्निक है, तुम्हारे इतने टीचर्स हैं अभी सब लोगों ने, इवन कहूं कि मेरे अलावा और कोई पढ़ा भी नहीं रहा, तो मैं एक टेक्निक को, एक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं, उसके थ्रू मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा डील करने का तरीका है, तो टेक्निक मेरी हेल्प कर रही है उस काम को करने में। बिहेवियर सबका अलग अलग हो गया कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और कोई टीचर अभी उस काम को नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उस टेक्निक के साथ उतना यूज्ड टू नहीं है। तो टेक्निक होती है हेल्प करने के लिए, एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी काम को पूरा करेंगे। और प्रिंसिपल्स क्या है? गाइडलाइंस है कि तुम ऐसे काम करो। तो गाइडलाइन तो सबको मिलती है, टेक्निक भी मिलती है, पर टेक्निक को यूज करने का तरीका सबका अलग है, ठीक है। तो टेक्निक से प्रिंसिपल बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि टेक्निक मेथड्स होते हैं और प्रिंसिपल गाइडलाइंस होते हैं कि तुम्हें कैसे काम करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब तुम्हें पता है, मूल्य होते हैं कि मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, डॉक्टर को सही इलाज करना चाहिए, दुकानदार को सही दामों पर चीज बेचनी चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, सैलरी सही दे अपने एम्प्लॉयज को। तो ये सब वैल्यूज हैं। वैल्यूज का मतलब नैतिक मूल्य जिनको हमको मानना चाहिए। तो प्रिंसिपल इनसे भी अलग है। विच आर फॉर्म्ड एज जनरली एक्सेप्टेड बिहेवियर इन सोसाइटी। तो वैल्यूज कैसे बनती हैं? जिन लोगों को सब मानते हैं, कि सब मानते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब मानते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, तो सोसाइटी ने इन चीजों को एक्सेप्ट कर रखा है
तो उसके बेस पर वैल्यूज बन गई एंड आर हैविंग मॉरल कोऑर्डिनेशन. मॉरल नैतिकता होती है वो अभी तुम्हें बता ही रहा था. प्रिंसिपल इनसे वैल्यूज से क्यों अलग है? प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड थ्रू रिसर्च हैविंग टेक्निकल नेचर. रिसर्च की जाती है पहले. भाई किसी कोई बच्चा डांट से मान जाता है, कोई बच्चा पिटाई से मान जाता है, कोई बच्चा कहने से ही मान जाता है और कोई बच्चा अपने आप ही मान जाता है. ठीक है. तो जब प्रिंसिपल बनेगा कि तुम्हें इतने बजे आना है, तुम्हें ये ड्रेस पहनकर आना है, तुम्हें इतनी बुक्स लेकर आनी है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे पढ़ाए जाएंगे, जब भी सिद्धांत बनेगा तो वो रिसर्च के बेस पर बनेगा. टेक्निकल होता है सोचना. उसमें कुछ पार्ट ऐसे आते हैं कि बच्चा कब किसी चीज को मान सकता है. ऐसे इम्प्लॉइज के लिए भी होता है. अब जितनी कंपनीज होती हैं वो अगर 8 बजे उनका टाइम है एंट्री का तो वो 8:05 या 10 मिनट तक तो वो फिर भी एंट्री दे देती हैं. 10 मिनट के बाद उसकी आधी छुट्टी काट लेते हैं. अगर वो 11 पर भी पहुंचा तो उसके हाफ डे की सैलरी कट जाएगी. क्यों करा? क्योंकि प्रिंसिपल बनाना पड़ा. अगर वो प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे तो वो आधा घंटा लेट भी आएगा, 1 घंटा लेट भी आएगा. तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमें सिद्धांत बनाने होते हैं. ठीक है. तो वो रिसर्च कर बनते हैं. तो इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यूज से अलग होते हैं. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनते कैसे हैं, उत्पन्न कैसे होते हैं? ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की जाएंगी, पर्सनल एक्सपीरियंस करे जाएंगे. कौन करेगा? मैनेजर. तो जो है F.W. टेलर और हेनरी फ्योल थे वो भी मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गए थे जब जाकर उन्होंने ये रिसर्च की और उसके बेस पर अपने प्रिंसिपल्स बनाए. अब आती है बारी नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नेचर एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है उसकी. तो पहला है कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. तो प्रिंसिपल नॉर्मल गाइडलाइंस है, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें है. तो ये अपने हिसाब से चेंज हो सकते हैं पर पूरे यूनिवर्स में, मतलब कि पूरे विश्व में एप्लीकेबल हैं. तो पहला इनका नेचर ये है. ठीक है. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस. सामान्य दिशा निर्देश हैं. ये कहीं नहीं कहा गया कि जो प्रिंसिपल में कह दिया उसे ही पूरा करना है. सिर्फ तुम्हें बताया है कि ऐसी सिचुएशन यूनिवर्सल वाला समझ में नहीं आया है. यूनिवर्सल वाला समझ में नहीं आया बेटा. यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे विश्व में. एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है लागू होना. तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है प्रिंसिपल. मतलब कि मैनेजर कहीं का भी हो, बिजनेस कहीं का भी हो, ये नॉर्मली प्रिंसिपल अप्लाई हो जाते हैं. वो प्रिंसिपल अभी हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से हैं. ठीक है. घर में भी देखो तुम, मम्मी पापा भी तुम्हारे ऊपर प्रिंसिपल लगाते हैं, नियम सिद्धांत बनाते हैं. ठीक है. अब 10 मिनट की क्लास रह गई है, थोड़ा सा लेट हो गए थे हम. तो अभी 10 मिनट की क्लास है तो 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, जितना टॉपिक हो पाए उतना. तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब है कि नियम हर प्रकार के बिजनेस पर, हर देश में, हर जगह लागू हो जाते हैं. ठीक है. आगे समझ में बंद करो प्लीज. हैं कह रहा है कोई सर, किसी का माइक ऑन है, बंद नहीं कर रहे भगवान. बंद कर लो भाई, अपने आप माइक बंद कर लो. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस. देखो हमने शुरू में ही पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस का मतलब होता है दिशा निर्देश, तुम्हें इस तरीके से काम करना है. अब तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. हमने तो तुम्हारे लिए गाइडलाइंस जारी कर दी. ठीक है. तो वो सिर्फ तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं, वो कहीं से ये नहीं कह रहे कि तुम्हें ये ही मानना है. क्योंकि इंसानों के लिए प्रिंसिपल बने हैं और हमारे देश की कंडीशन और जो USA के थे जो, और एक जो फ्रांस के थे जिन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं, उन देशों की कंडीशन में बड़ा डिफरेंस है. हमारे यहाँ गरीबी उनसे बहुत ज्यादा है,
हमारे यहाँ लोगों की जरूरतें कुछ और हैं जो उनके देश में शायद ना हो, ठीक है, तो इसीलिए जनरल गाइडलाइंस है, तुम अपने हिसाब से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो। बेटा बोलो अनुज, अनुज अनुज माइक बंद कर ले, अनुज माइक बंद कर ले, गेट बंद कर दो, वहां से निकलो तुम लोग। अनुज माइक बंद कर, अनुज की मम्मी बोल रही है। अनुज, अनुज बेटा पहले बात कर ले जब आ जाइयो पढ़ाई करने। पांच मिनट टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा भाई, पढ़ लो प्लीज। अनुज माइक बंद कर दे। हो गया सर, बताओ। चलो अनुज थोड़ी देर के लिए क्लास छोड़ दे, जब शांत हो जाए तेरी मम्मी जब आ जाइय। थर्ड पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनको बनाया कैसे जाता है, प्रिंसिपल, मतलब उन्होंने फ्योल ने या टेलर ने कैसे कहा कि ये एक प्रिंसिपल है, जैसे उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो कहां से आए ये, उनके दिमाग में कैसे आया कि भाई डायरेक्शन का मतलब दिशा होती है, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, तो उनके दिमाग में कहां से आया कि यूनिट आदेश में भी एकता हो और निर्देश में या दिशा में भी एकता हो। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिस की, जब जाकर उनको पता चला कि जब हम किसी को एक से, अगर एक आदमी को, एक सबॉर्डिनेट को एक आदमी अगर ऑर्डर दे तो वो उसके ऑर्डर को जरूर पूरा करेगा, और अगर नहीं पूरा करता तो उससे जवाब, सवाल जवाब किए जा सकते हैं। पर एक आदमी को अगर चार बॉस क्या करें, ऑर्डर दें, तो बेचारा खुद ही कंफ्यूज रहेगा किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने, ठीक है। तो इसीलिए फ्योल ने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने कहां से बनाया, पहले उसने प्रैक्टिस की, उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया, जब जाकर उसने किसी भी प्रिंसिपल को बोला कि ये एक सिद्धांत है अगर मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से चलाना है तो, ठीक है। एक हमने पढ़ा, ये मैं शुरू से तुम्हें बता ही रहा हूं, क्योंकि इंसानों के लिए बनाए गए हैं प्रिंसिपल, तो ये फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीले, तो लचीले का मतलब है कि मैं अपने हिसाब से उनको चेंज कर सकता हूं। तो जैसी मेरे देश में, जैसी मेरे कंपनी के अंदर जरूरत है, उसके हिसाब से जो प्रिंसिपल में बातें कही गई हैं, मैं उनको चेंज कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेनली बिहेवियरल, यस सर, मेनली बिहेवियरल, बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, लोगों के बर्ताव के ऊपर बेस्ड है। तो इन, क्योंकि ये कोई साइंस तो है नहीं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर बनाए हैं, तो बिहेवियर के ऊपर बने हुए हैं जितने भी प्रिंसिपल बने हैं, कि भाई ऐसे करें तो इंसान ऐसे तरीके से रिएक्ट करता है, ये कहें तो इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो यही सिद्धांत है। तो इसीलिए बिहेवियर के ऊपर बेस्ड हैं सारे प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज का मतलब कारण होता है और इफेक्ट का मतलब है जब मैंने कुछ काम किया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो कोई भी प्रिंसिपल बना तो पहले कोई कारण आया, पहले मेरे सामने समस्या आई, समस्या क्या आई, मैं उसी यूनिटी ऑफ कमांड के एग्जांपल पर ही हूँ अभी भी प्रिंसिपल के, समस्या यह आई कि एक एम्प्लॉई को मैंने भी ऑर्डर दे दिया और तुम्हारे दूसरे सर ने भी ऑर्डर दे दिया एक स्टूडेंट को, अब वो बेचारा कंफ्यूज कि किसकी बात को माने और किसकी बात को ना माने। दूसरा, जो चालाक बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कह देंगे हम तो सर कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कुछ और कहा था और उन्होंने कुछ और कहा था। तो कारण बनाना, कारण ये बना कि भाई इस बच्चे ने बात क्यों नहीं मानी, क्योंकि इसको दो जगह से ऑर्डर मिले, तो ये कारण था, कोज। अब इफेक्ट क्या हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, नहीं तो क्या नियम बनाया गया कि भाई एक मैं ही ऑर्डर, मैं ही बताऊंगा स्टूडेंट को कि क्या करना है, इसीलिए क्लास टीचर अपॉइंट किए गए, ठीक है। तो रीजन क्या था कि भाई एक आदमी ही बताए कि तुम्हें क्या करना है, नहीं करोगे तो, अगर अब मैं अकेला बताऊंगा तो उसको वो काम या तो पूरा करना पड़ेगा या उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल बना कैसे, कॉज और इफेक्ट रिलेशन से।
नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट शायद तुमने अकाउंट्स में कहीं पढ़ा है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, पढ़ा है सर? पढ़ा था कॉन्टीजेंट का। हाँ सर पढ़ा है सर। ठीक है, कॉन्टीजेंट का जो नॉर्मली मीनिंग है वो ये है, देयर एप्लीकेबिलिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन द प्रीवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से समाधान हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वहां पर सिचुएशन कैसी है। तो मेरे सामने अगर कोई समस्या आई है तो वो समस्या किस वजह से आई ये देखना जरूरी होता है। सीधा नियम नहीं लगाया जा सकता। तो नियम कब लगेगा? वहां की सिचुएशन देखकर। दैट्स मींस कि मतलब प्रॉब्लम है, स्ट्राइक कर दी हमारे एम्प्लॉइज ने, एक जगह जेन्युइन कारण हो सकता है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, लोगों को सैलरी भी सही समय पर नहीं दे रही, लोगों से काम भी ज्यादा ले रही है। ठीक है, तो फिर अब स्ट्राइक खोलने का तरीका क्या होगा मैनेजर का? उसकी जो खुद की कमियां उनको भी सुधारना पड़ेगा। एक जगह एम्प्लॉइज ने सिर्फ दुखी करने के लिए स्ट्राइक कर रखी है, तो सिचुएशन दोनों जगह क्या है? अलग अलग है। दैट्स मीन्स प्रिंसिपल क्या है? कॉन्टीजेंट है। तो जो स्ट्राइक खोलने का कोई प्रिंसिपल नहीं होगा, खोलना तो एक समस्या है, पर किन सिद्धांतों को तोड़ने की वजह से प्रिंसिपल वो समस्या आई उसको समझना पड़ेगा। दैट्स मीन्स कि जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिएक्ट करना होता है, तो उसलिए उसे कॉन्टीजेंट कहा है कि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल को किस लेवल तक और कैसे मुझे अप्लाई करना।